कैसा लग रहा है मेरा दोस्त? पानी के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है। कैसा है शिवम? तू जिंदा है, मैं खुश हूँ। कैसा है? यहाँ से 2 मील दूर एक तालाब है, चले? वहाँ कोई तालाब नहीं है शिवम, वहाँ सिर्फ हमारे पूर्वजों का फैला हुआ कचरा है। जो वहाँ रहते थे वो गांव छोड़ के चले गए, और जो बच्चे वो कोरोना की चपेट में आ गए। तो फिर तू अब क्या हार मान जाएगा? पर तू तो हार मानते ही नहीं है। पहले लोग इस पे प्यार की निशानी बनाते थे। वही प्यार ना जो तू इस दुनिया से करता है। पर देख, लोगों ने इस दुनिया को नष्ट कर दिया है। मेरे दादा ने बताया था कि अगर हम कुछ सावधानी रखते तो इस कोरोना से बचा जा सकता था। तू जानता है पहले लोग पैसों से बीमारी बनाते थे, फिर उस बीमारी की दवा बनाकर लोग और पैसा कमाते थे। वो जानते थे, इसीलिए उन्हें स्पेस प्रोग्राम बनाया और चांद पे चले गए और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। पर तू तो ध्यान देगा ना? इस धरती का रंग आज लाल है इसलिए नहीं कि आज अरबों लोगों का खून इस धरती पर फैला हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस धरती ने उन जख्मों को कुरेद कुरेद कर अपना खून बहाया है जो जख्म हम इंसानों ने इसे दिए हैं। जब से इंसान धरती पर आया तब से इस धरती को उसने वो हर जख्म दिया जिससे आज इस धरती का गुस्सा लावा की तरह फूट रहा है। पानी खत्म होना, ग्लेशियर पिघलना, गंदगी, बीमारियां, जानवरों के साथ ऐसा बढ़ता। हम भूल गए कि जब धरती को दर्द होता है तो वो हमें कैसा दर्द देती है। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारी हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरा नाम वाशी है और मैं एक इंसान हूँ, और आज शायद इतने इंसान नहीं बचे जिनसे मैं ये मांग सकूँ कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह दोबारा सजा सके जैसे धरती हमारी जिंदगी संवारती है। मगर फिर भी आज इस खाली और वीरान दुनिया में मैं आवाज़ उठाकर आने वाली नस्लों से ये मांगता हूँ कि कभी भी इस धरती को ऐसा घाव न दें कि ये धरती दर्द से इतना चीख दे कि दोबारा ये किसी को दर्द पहुँचाने का मौका ही ना दे।